नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों। परसवाड़ा जिले में कोरोना संक्रमण को बढ़ते हुए मामले सामने आने पर आज कलेक्टर श्री दीपक आर्य एवं जिला स्वास्थ्य अधिकारी मनोज पांडे ने जनपद पंचायत परसवाड़ा का दौरा किया, जहां उन्होंने जनपद पंचायत CEO तहसीलदार एवं पंचायत सचिव के साथ बैठक कर COVID-19 की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए, जहां उन्होंने कहा कि बाहर से आए व्यक्तियों की जानकारी रखें एवं उन्हें क्वारंटाइन में रखें। जो व्यक्ति बाहर से आने पर अपनी जानकारी छिपाता है और दिशा निर्देशों का पालन नहीं करता है, उसके खिलाफ धारा 151 के तहत कार्यवाही की जाएगी। साथ ही लोगों से भी ये अपील की गई कि वे हमेशा मास्क का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। देखिए, आप सभी को बताते हैं कि जिले में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। अभी तक अच्छी बात जिले में ये रही है कि जो भी संक्रमित हैं वो सब बाहर से आए हुए हैं। कोरोना का फैलाव इस ज़िले में यहाँ आने के बाद नहीं हुआ है। तो हमारा प्रयास है कि कोरोना के प्रसार जो प्रसार है उसको रोका जाए, जैसी स्थिति अभी है वैसी स्थिति चलती रहे, यही प्रयास है। इसके लिए अभी तक हम लोग इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन करते आ रहे थे लोगों, चूँकि इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में कई सारी समस्याएँ आती हैं, लोगों को भी समस्या होती है कि अगर आप देखेंगे आंकड़ा तो लगभग 100 लोगों में से 3 लोग पॉजिटिव आ गए, उसकी वजह से बाकी लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है। और संभावना ये भी रहती है कि इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन में कई बार टॉयलेट प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो पाता है, कई बार सैनिटाइजेशन उतना अच्छे से नहीं हो पाता है, साफ़ सफाई नहीं हो पाती है, इससे लोग आपत्ति करते हैं, व्यवस्थाएं भी कई बार गड़बड़ होती हैं उस कारण से। और होता ये है कि संभावना ये भी रहती है कि अगर एक पॉजिटिव व्यक्ति से अन्य व्यक्तियों में फैल जाएगा, जो कि गाँव में जाएंगे तो अन्य लोगों को कोरोना संक्रमित करेंगे। इसलिए हम लोगों की कोशिश ये है कि सभी व्यक्ति जो कि बाहर से आ रहे हैं उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन के बजाय होम क्वारंटीन किया जाएगा राखी के पास। राखी तक जो व्यवस्था है वही चलेगी, क्योंकि राखी तक आमद ज़्यादा होगी, क्योंकि इक्का दुक्का लोग आते हैं और उसके लिए पूरी व्यवस्था उसमें करनी होती है। बाकी हमारे कार्य भी अन्य की चूँकि कर्मचारी लगते हैं तो अन्य कार्य प्रभावित होते हैं। सर, क्या बालाघाट जिला भी लॉकडाउन की ओर बैठे? ये निर्णय आज बैठक है, उसके बाद निर्णय के बाद इसमें लिया जाएगा कि बालाघाट जिला सर जिनके घर में अगर होम क्वारंटाइन करने की जगह नहीं है, ऐसी स्थिति में जैसा मैंने इनको किया है कि यदि होम क्वारंटाइन करने की जगह नहीं है उस केस में, यदि स्कूल में ग्राम के स्कूल में यदि वो ईमानदारी से क्वारंटाइन होना चाहे तो वहाँ किया जा सकता है, बशर्ते खाना उन्हें घर वाले उनको ला के देंगे। खाना ग्राम पंचायत से दिया सकता है, लेकिन ज़्यादा अच्छा है कि अपना टेस्टी फूड और घर का जो खाना होता है सभी को लगता है घर में आया खाना मिल जाए। दूसरा, यदि वो व्यवस्था नहीं होती है तो उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में जो भी बड़ा क्वारंटाइन सेंटर हो वहाँ रखा। सर, अगर कोई दिशा निर्देशों का पालन नहीं करता है तो उनके खिलाफ कुछ सख्ती या कुछ? मैंने जैसा बताया कि सचिवों को मैंने बताया है कि यदि कोई व्यक्ति पालन नहीं करता है उस केस में पहले उसको समझाइश दी जाएगी, यदि नहीं समझते हैं तो उसके उपरांत उनको यहाँ पर लाया जाएगा और 151 की कार्रवाई उनके खिलाफ दर्ज की जाएगी, क्योंकि समाज के विरुद्ध अपराध वो कर रहे हैं कि पूरे समाज को खतरे में डाल रहे हैं। तो 151 की कार्रवाई की जाएगी। यदि वो पॉजिटिव, यदि उनका सैंपल लिया जाएगा, सैंपल के बाद यदि पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उनको हॉस्पिटल में रखा जाएगा, और अगर नेगेटिव पाया जाता है वो व्यक्ति तो उस व्यक्ति को जेल में भेजा जाएगा। 151 लगा कर 151 की कार्रवाई उनके बाद विरुद्ध की जाएगी। सर, जैसे देखा जा रहा है संडे को जो लॉकडाउन है उसमें अधिकतर जो सरकारी उचित मूल्य की दुकान है वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी पालन नहीं हो रहा है, कुछ लोग मास्क लगाए दिखते हैं कुछ लोग नहीं दिखते, तो ये कुछ तो बहाना भी बनाते हैं। ये बात संडे लॉकडाउन या अन्य किसी लॉकडाउन की नहीं है, रोजाना की बात है, दिनचर्या की बात है। दिन में यदि किसी भी दुकान पर यदि आप जाते हैं तो आपकी जब सभी की जिम्मेदारी है, या अपील हम सभी से पुनः करते हैं कि अपना स्वास्थ्य ध्यान, चूँकि हम सभी को रखना है, समाज के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, तो मास्क का पालन, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आप सदैव करें। लॉकडाउन में, संडे के लॉकडाउन में राशन दुकानों को खोलना मजबूरी है, क्योंकि कई सारे गरीब लोगों को राशन नहीं होता है, उनके पास तो समस्या में ना जाएं, इसलिए राशन दुकानें खोली जाती है। यदि आगे भी लॉकडाउन किया जाता है तो राशन दुकानों को उससे मुक्त रखा जाए। खबर समय जगत के लिए परसवाड़ा से हरीश श्रीवास की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।